इंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जिसको टीम इंडिया ने 71 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने यह टी20 सीरीज अपने नाम कर लिया। अब इन दोनों के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला 9 तारीख को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी शुरू की। टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में रोहित शर्मा के तूफान शतक के साथ 2 विकेटों पर 195 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने नाबाद 111 रनों की पारी खेली, जिसके लिए रोहित ने 61 गेंद खेलकर 8 चौके 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसके अलावा शेखर धवन ने 41 गेंदों पर 43 रन और राहुल ने 14 गेंदों पर 26 रन नाबाद बनाए। इस तरह टीम इंडिया ने पूरे 220 ओवर में 195 रन बना डाले। अब वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 196 रन चाहिए थे। 196 रनों की पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही, जिसकी वजह से वो इस लक्ष्य से पीछे रह गई और वो नाकाम साबित हुई। वेस्टइंडीज ने पूरे 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन ही बनाए, जिसका नतीजा वेस्टइंडीज ने यह मैच और सीरीज को 71 रनों से गंवा दिया। इस मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बुमराह, भूमि, कुलदीप और खलील ने 2-2 विकेट लिए, जबकि 1 विकेट रन आउट हुआ। इस मैच में शानदार 111 रनों की नाबाद शतकीय पारी के लिए रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं राजधानी लखनऊ में इस मैच का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में दर्शक उमड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैच का शुभारंभ फीता काट कर किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्टेडियम का नाम बदले जाने पर भी एतराज जाहिर किया और स्टेडियम के अंदर बैठकर मैच का खूब आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।